सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू की। हाउ ऑफन इज द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यूड? रिक्वायर्ड एटलीस्ट एनुअली। डज द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू इंक्लूड फूड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को देखा गया, डॉक्यूमेंट कंट्रोल को देखा गया कि हर स्टेज पे हर स्टेप पे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन किया जा रहा है, इसी तरह से वेरिफिकेशन एक्टिविटीज और पीआरपीज। पीआरपीज जिसमें मैंने पहले बताया कि पर्सनल हाइजीन और एम्प्लॉय फैसिलिटीज हैं, ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सैनिटेशन प्रोग्राम कैसा है, सफाई सुथराई के मामलात कैसे हैं, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, ये सारी चीजें इसमें पीआरपीज में देखी जाती हैं। इंटरनल ऑडिट्स की बात आती है तो उसमें हैज द ऑर्गेनाइजेशन हैव आ डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर। इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेड रिटन प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर टीम फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर एसओपीज और जो SOPs हैं उनको फॉलो किया गया है। आर इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड? हु परफॉर्म्स द इंटरनल ऑडिट एंड इज सूटेबल ट्रेनिंग अवेलेबल? जो इंटरनल ऑडिटर है कम से कम उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए और इसी तरीके से उसकी रिफ्रेशर और प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होना जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग शेड्यूल क्या है? हैव माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल हैजर्ड्स बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द हैजर्ड एनालिसिस प्रोसेस? अगर तो रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली फिर उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके मेथड्स कौन कौन से यूटिलाइज किए गए हैं, लैब एनालिसिस परफॉर्म किया गया है, और अगर किया गया है तो डेफिनेटली क्या है, यस इज अ शेड्यूल ऑफ टेस्टिंग इन प्लेस टू कन्फर्म CCPs आर अंडर कंट्रोल? वहाँ पे उस फेसिलिटी पे उसका शेड्यूल इन प्लेस होना जरूरी है ताकि उसको CCPs से फर्दर कंपेरिजन किया जा सके। Is a schedule of testing in place to confirm that products or processes meet regulatory and customer requirements and to ensure quality and food safety parameters? के मतलब क्या है, जो टेस्टिंग एक तो इंटरनल जो फैक्ट्री पे आपके लेबॉरेटरी मौजूद है वहाँ पे टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करने की फैसिलिटीज होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी थर्ड लेबॉरेटरी से टेस्टिंग करवा सकते हैं, उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी है, उसकी कंफर्मेशन, उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का चेक एंड बैलेंस रखना और SOPs को देखना, SOPs से उसको कंपेयर करना। फिर शेल्फ लाइफ स्टडी में क्या आ जाता है? डज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ लेस देन 2 years? If yes, is a schedule of shelf life testing documented or maintained? Does it include the following tests to initially establish the shelf life, which is indicated in the product description, and from initial testing and of shelf life testing to verify that shelf life is being met? Above also applies for products skipped for further processing or rework. मतलब क्या है, जो product reprocessing में आ रही है या रीवर्क में आ रही है उस पर भी शेल्फ लाइफ स्टडी जो उसके SOPs वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सर अकॉर्डिंग स्टडिंग जो आप शेल्फ लाइफ है वो कितने दिनों बाद या कितने मंथ्स बाद करनी चाहिए प्रोडक्ट की? देखिए ये तो प्रोडक्ट डिपेंडेंट है कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है, ठीक है जी। प्रोडक्ट अगर तो इटसेल्फ प्रोडक्ट का बिहेवियर ऐसा है कि वो शेल्फ स्टेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मतलब उसकी जो शेल्फ लाइफ स्टडी उसको उसके तमाम पैरामीटर को जज करना। अगर फॉर एग्जांपल मिल्क है, जूसेस हैं तो डेफिनेटली उसके फिर सर पेरिशेबल फूड से हम डील कर रहे हैं, पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स है तो उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी हमें कितने मिनट बाद या कितने दिनों में करनी चाहिए? नहीं ये इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतने दिनों में करनी है, इतने दिनों बाद करनी है। मैंने बताया ना कि जो आपका प्रोसेस है, जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी और इसी तरह प्रोडक्ट की बेस पे ही होंगी। फॉर एग्जांपल जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो शेल्फ लाइफ स्टडी थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। फॉर एग्जांपल कोई नई प्रोडक्ट फार्मूलेट की है, मिल्क है, उनके शेल्फ लाइफ के ट्रायल्स चलते रहते हैं, ठीक है। वो स्टेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जी पास्चराइजेशन है, उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ स्टडी करनी है, स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट है, स्टरलाइजेशन है, उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी करनी है, या
उस प्रोडक्ट को जो नई रेसिपी आप फार्मुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी करनी है। तो ये स्टेजेस के अकॉर्डिंगली होती है। टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली इसमें मैटर करता है कि प्रोडक्ट कितनी शेल्फ लाइफ देगी, लेकिन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसका टाइम स्केड्यूल मेंशन नहीं होता, जस्ट ये कि वो स्टेजेस के हिसाब से स्पेसिफाई होता है। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एज एंड ऑफ द शेल्फ लाइफ टेस्ट? केमिकल टेस्टिंग, प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजिकल वो टेस्टिंग। अभी मार्केट में जा चुकी है, पेरिशेबल है, तो उसकी शेल्फ लाइफ अगर 8 to 10 days है, लाइक पास्टराइज मिल्क है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 5 to 6 days है, तो वो अगर हम मंथ में एक दफा करते हैं तो वो इनफ है कि हम हर प्रोडक्ट हर लॉट की करेंगे। सर इसमें जो मतलब एक तो दो कैटेगरीज हैं, एक तो प्रोडक्ट नॉर्मल वे में जो प्रोसेसिंग चल रही है, एक प्रोडक्ट रीवर्क में आ रही है। तो दोनों की शेल्फ लाइफ स्टडी अलग से होंगी। जो आपने बात की है कि मतलब जो पास्चराइज प्रोडक्ट है एटलीस्ट वो मतलब कोई 8 से 10 दिन 20 दिन वो दे रही है, 1 माह दे रही है, तो वो प्रोडक्ट की लॉट के अकॉर्डिंगली उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी होना ज़रूरी है। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज रेसिपी में चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली फिर तो करना ज़रूरी है। लेकिन एक एक लॉट जो एज पर SOP चल रही है उसमें एटलीस्ट 1 or 2 times उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी करना ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्ट की जो कीपिंग क्वालिटी उसके एट्रीब्यूट्स को समझा जा सके कि ये प्रोडक्ट हमारी मार्केट में कैसे बिहेव कर रही है। ओके, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग परफॉर्म की गई है। फिजिकल टेस्टिंग लाइक वेट लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज, ये तमाम चीज़ें उसकी स्टडी की गई हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट असेसमेंट्स, इज देर आर डेवलप्ड डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड शेड्यूल फॉर फिनिश्ड सर प्रोडक्ट कैन यू असेसमेंट? प्लीज गिव आप प्लीज़ सर कैन यू प्लीज अपने गिव द क्वेश्चंस एग्जांपल ऑफ को प्लीज़ नोट डाउन कर लें, हम एक सेशन इसके बाद करेंगे, उसमें हम तमाम जो ना क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ठीक है, हम ये कि जस्ट ओके अभी थोड़ा सा अपना ये कोर्स अपना कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन एड्रेस करेंगे और इसमें आपका इनपुट भी हम शामिल करेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट असेसमेंट्स, इज देर आर डेवलप्ड डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड शेड्यूल फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट असेसमेंट अगेंस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस व्हिच इंक्लूड ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग, केमिकल और फिजिकल टेस्टिंग है पैरामीटर, उसमें वेट चेक है, लेबल चेक है, टेस्ट सील इंटेग्रिटी चेक की जाती है, आर रिकॉर्ड्स ऑफ दीज असेसमेंट्स केप्ट? अब इन असेसमेंट्स के रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव एक्शन ऑफ वेरीफिकेशन एक्टिविटीज, डज द ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू द रिजल्ट ऑफ वेरीफिकेशन एक्टिविटीज ताकि उसमें अपडेशन लाई जा सके फर्दर? इज अ डॉक्यूमेंटेड शेड्यूल इन प्लेस फॉर रिव्यूइंग मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड करेक्टिव एक्शंस ऑफ वेरिफिकेशन? कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है राबता नंबर, कस्टमर कंप्लेंट सेल, या इस तरह करके कोई ना कोई ईमेल या फोन नंबर दिया जाता है ताकि डायरेक्टली कस्टमर्स उस डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकें और अपनी इनपुट दे सकें। अब जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन SOPs को फॉलो करती हैं वो तो डेफिनेटली कस्टमर्स को वेलकम करेंगी। हाउएवर जो ढके छुपे अल्फाज में काम कर रही हैं वो फिर इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, वो कहते हैं जस्ट अपनी मार्केट करो, दैट्स ऑल। डज दी ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग कस्टमर कंप्लेंट्स इन रिलेशन टू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इशूज? इज द प्रोसेस रिव्यूड एटलीस्ट एनुअली? डज दिस प्रोसेस इंक्लूड अ कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर आफ्टर आर स्टाफ दैट आर लॉगिंग कस्टमर कंप्लेंट सूटेबल ट्रेंड? मतलब जो स्टाफ है उनको को क्वालिटी का को फूड सेफ्टी का पता है, या जस्ट मार्केटिंग स्टाफ बैठाया हुआ जो कस्टमर की कंप्लेंट्स को डील कर रहा है और जस्ट लफ्जों में वो मतलब उनको ओके करी जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए। कस्टमर की क्वेरी को वो प्रॉपरली सुने, उसको नोट डाउन करें, उस पर फिर फर्दर एक्शन में वो चीज़ें लेके आए। रिकॉर्ड कीपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड? मॉनिटरिंग ऑफ CCPs, करेक्टिव एक्शंस टेकन रिगार्डिंग CCPs, चेंजेस टू द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, PRPs, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज, वैलिडेशन, आर रिकॉर्ड्स रिटेन्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 months, आर द शेल्फ लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट प्रोडक्ट, आर रिकॉर्ड्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज और लॉस, इजिली एक्सेसिबल एंड सिक्योरली स्टोर्ड? अब ये इसमें कोई करने की बात नहीं है, हाउ एवर हर स्टेज पे हर स्टेप पे रिकॉर्ड कीपिंग करना ज़रूरी है। उसी की बेस पे फर्दर फिर प्रोडक्ट में मतलब उसकी फार्मूलेशन में चेंजेस ला सकते हैं हम, उसके प्रोसेस में चेंजेस ला सकते हैं, उसके SOPs को इम्प्रूव कर सकते हैं हम।
ओके जी, यहाँ तक हमारी जनरल स्टडी कंप्लीट हुई। अब हम कुछ केस स्टडीज की बात करेंगे। हैसअप इन डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री में हैसअप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। पहले हम हैजर्ड्स की बात कर लें। आप सब लोग जानते हैं तीन किस्म के हैजर्ड होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल हैजर्ड्स में क्या है, मशीनरी के पार्ट्स टूट के गिर सकते हैं, कोरोजन इफेक्ट हो सकता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल उसके साथ वो रिएक्शन हो सकता है, पर्सनल, फॉर एग्जांपल रिंग गिर गई, किसी का बाल गिर गया, ये सारे फिजिकल नेचर के हैजर्ड्स हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स में क्या है, अनहेल्दी एनिमल अगर होगा तो डेफिनेटली लाइक मस्टाइटिस डिजीज अफेक्टेड एनिमल है तो वहाँ से वो माइक्रोबियल लोड उसमें ऐड कर देगा। पीपल हैंड अगर नहीं धोए, मिल्किंग यूटेंसिल्स हैं, वाटर है गंदा है, प्रोडक्शन एरिया, गुड हाइजीन प्रैक्टिस अगर प्रॉपर नहीं है, इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं है, या पैकेजिंग मटेरियल फूड ग्रेड नहीं है, या पैकेजिंग मटेरियल गंदा है, तो वहाँ से माइक्रोबियल हैजर्ड इंट्रोड्यूस हो सकते हैं प्रोडक्ट में। माइक्रोबियल हैजर्ड आप सब लोग जानते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं। ये कुछ टाइप्स दी गई हैं बैक्टीरियल हैजर्ड्स की, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हैं, ब्रुसेला स्पीशीज हैं, साल्मोनेला स्पीशीज हैं, लेस्टेरिया स्पीशीज हैं, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई है, यर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका है। इसी तरह प्रोटोजोन पैरासाइट्स में एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, गार्डिया लेम्बिया है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई है, या इसी तरह वायरल इन्फेक्शन में एंटेरोवायरसेस हो सकते हैं, पोलियोवायरसेस हो सकते हैं, रोटावायरसेस हो सकते हैं, एफएमडी वायरस हो सकता है, या हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है। ओके, आइसक्रीम प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि आइसक्रीम प्रोडक्शन के क्या 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 स्टेप्स हो सकते हैं और उनमें कहाँ कहाँ पे हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया जाना है और सीसीपीज को अप्लाई करना है। ओके जी, ये टेबल हम देखते हैं, इसमें प्रोसेस लेवल दिया गया है, हैजर्ड दिया गया है, उसका कंट्रोल दिया गया है, ओरिएंटेशन दी गई है। नंबर वन है प्रोसेस लेवल, मिक्सिंग ऑफ एडिटिव्स इंक्लूडिंग स्किम मिल्क पाउडर, ऑयल ऑफ मिल्क एंड शुगर, तमाम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, एडिटिव्स को मिक्स करना। अब इसमें हैजर्ड क्या हो सकता है, टू बी इन्फेक्टेड विद एडिटिव्स। अब एडिटिव्स प्रॉपर क्वालिटी के नहीं हैं, पुअर क्वालिटी के हैं, वहाँ से कोई ना कोई वहाँ पे हैजर्ड इंट्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल नेचर का हो सकता है, केमिकल नेचर का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो आपने स्किम मिल्क यूज़ किया है वो एक्सपायर है, ये भी एक हैजर्ड हो सकता है। शुगर है, शुगर में कोई फिजिकल कुपिसेज आ सकते हैं, वो भी हैजर्ड है। कंट्रोल क्या है, कंप्लायंस ऑफ एडिटिव्स विद स्पेसिफिकेशंस। ओरिएंटेशन में क्या है, प्रोवाइडिंग यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिटी एडिटिव्स। अगला स्टेप है पास्टराइजेशन। पाउडर आपने बात की है तो ये तो एज ए एलर्जन है, तो एलर्जन हैजर्ड में नहीं आएगा? नहीं सर, एलर्जन हैजर्ड में नहीं है। एलर्जन तो वो मतलब अब लाजमी नहीं है कि हर बंदा एलर्जन से मतलब वो क्रिटिकल हो, ठीक है। हो सकता है मैं दूध को हजम प्रॉपरली कर सकता हूँ, हो सकता है आप दूध पिए तो आपका मैदा खराब हो सकता है, एज अ केस बात कर रहा हूँ। तो अगर एक बंदा जो उससे इन्फेक्ट हो सकता है, मतलब उससे उसको डिजीज की कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, तो वो तो फिर डेफिनेटली उसके लिए वो हैजर्ड होगा। लेकिन मैं उसके लिए मतलब एज इट पॉसिबल है कि नहीं होऊंगा, ठीक है। लेकिन ये हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट में एलर्जेंस का होना वो कोई हैजर्ड नहीं है। हाउएवर उसके ऊपर ओइंग टू द लेबलिंग रूल्स रेगुलेशंस और लॉज, इट शुड बी मेंशनड ऑन दैट प्रोडक्ट कि वो मतलका बंदा उसको यूज करना चाहे तो कर ले, नहीं तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है। हाउएवर ये हैजर्ड नहीं है। पास्चराइजेशन में आता है, फ्लेयर ऑफ पास्चराइजेशन काजेज लाइव पैथोजेंस, मतलब पास्चराइजेशन प्रॉपर नहीं हुई तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, ये हैजर्ड हो सकता है। कंट्रोल उस पर क्या लगाया जा सकता है, कंट्रोल ऑफ पास्चराइजेशन इफेक्टिवनेस। पास्चराइजेशन को इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें था पास लाइट टेस्ट, एक हैंडी मेथड है, उससे हम पास्चराइजेशन को चेक कर सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। फिर ओरिएंटेशन क्या है, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। अब कंप्लायंस को चेक करना है कि पास्चराइजेशन की ये रिक्वायरमेंट्स थी, ये एसओपीज थे, इसके अकॉर्डिंगली ही ये काम सारा हुआ है। होमोजेनाइजेशन अगला स्टेप है, होमोजेनाइजेशन में क्या है, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग होती है हाई स्पीड पे, इन्फेक्शन आफ्टर पास्चराइजेशन। अब होमोजेनाइजेशन में भी कई इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे भी हैजर्ड फिजिकल नेचर का भी हो सकता है, लाइक इक्विपमेंट है
उसमें कोई फिजिकल नेचर का हैजर्ड हो सकता है, लाइक इसमें कोई ग्रीस की एडिशन हो गई, या कोई इक्विपमेंट के पार्ट्स को ऑयलिंग करते हैं, या कोई और नेचर का हैजर्ड हो सकता है। कंट्रोल क्या है, एडिक्वेसी ऑफ इम्प्लीमेंटेड क्लीनिंग प्रोग्राम। फिर इसमें क्या है, CIP भी उसको भी कंसिडर करना चाहिए, या दूसरा क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन उसको भी फॉलो करना है। ऑरिएंटेशन में क्या है जी, प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिक्वेट क्लीन अप प्रोग्राम्स। ओवरऑल क्लीनिंग से ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कूलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिक्सर इन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम। कूलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिक्सर इन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम। अब यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन हो सकती है। हैजर्ड यहाँ पे क्या है, अगर टेम्परेचर की जो वेरिएशन आ गई तो वहाँ पे माइक्रोबियोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोबियल लोड बढ़ सकता है वहाँ पे इम्प्रॉपर टेम्परेचर की वजह से, इम्प्रॉपर स्टोरेज या फ्रीजिंग की वजह से। इसी तरह इसको कंट्रोल में क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, चिलिंग टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है। इसी तरह फिर जो फ्रीजर है या फ्रीजिंग इक्विपमेंट्स हैं, फ्रीजिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करना है, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। पैकेजिंग में क्या है, हार्डनिंग एंड स्टोरेज। ओके, यहाँ पे फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग गंदी है या प्रॉपर नहीं है, या नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग है, वहाँ पर रिएक्शन हो सकता है। फिजिकल नेचर का हैजर्ड यहाँ पे हो सकता है। क्लीनिंग ऑफ पैकेज इक्विपमेंट्स, और इसी तरह पैकेजिंग भी फूड ग्रेड होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, नॉन रिएक्टिव पैकेजिंग हो। पैकेजिंग मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन गुड हाइजेनिक कंडीशंस। ओके, अब हम मीट की बात करते हैं कि मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैसअप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये भी हम एक केस स्टडी से इसको देखेंगे। बेसिक एलिमेंट्स हैं मीट सर, प्रोसेसिंग के, इसमें जो सेकेंडरी पैकिंग है वो हलाल और उसमें फूड ग्रेड होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जो भी फूड आइटम है उसको पैकेज करने के लिए उस पैकेजिंग मटेरियल का फूड ग्रेड और नॉन रिएक्टिव होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, जूस प्रोडक्शन में आप जो है वो जो टैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल वो फूड ग्रेड नहीं है, ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि जूस के अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स है लाइक सिट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं, वो ऐन मुमकिन वहाँ पर रिएक्ट कर जाए। इसके लिए फिर 316 SS ग्रेड होना जरूरी है, फूड मटेरियल फूड ग्रेड पैकेजिंग या सर मेरी पैकेजिंग के माय अलावा। क्वेश्चन इज के जो सर प्लीज लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, इसमें ये मेरा ये सवाल है कि उसके बाद हमने जो शीट्स के अंदर जिस शीट को 24 24 की स्टैकिंग करनी होती है, उसको पॉलिथीन की पैकिंग करनी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या उसका फूड ग्रेड होना और हलाल होना जरूरी है? प्लीज एक्सप्लेन इट। सर जो प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग मटेरियल डायरेक्टली इन कांटेक्ट आता है उसका फूड ग्रेड और हलाल होना ज़रूरी है। हाउएवर मतलब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि जो आउटर पैकेजिंग मटेरियल है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं आ रहा प्रोडक्ट के, उसमें कोई एज सच मतलब इस हवाले से कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट आती है वो नॉन रिएक्टिव हो, फूड ग्रेड हो और हलाल हो, ये इसके लिए एक बेसिक रूल है। जी ठीक हो गया सर। ओके जी, हम मीट प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मीट प्रोसेसिंग क्या है, सबसे पहले तो ये कि हैसअप क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, इंप्लीमेंट होता है। इसी तरह स्पेसिफिक प्रोसेसिंग मेथड यूटिलाइज होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, हैज टू बी कैरिड आउट। CCPs हैव टू बी आइडेंटिफाइड, क्रिटिकल लिमिट्स बी एस्टैब्लिश्ड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड। मैकेनिज्म तरीकाकार वही है, जस्ट इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, फिजिकल और केमिकल हैजर्ड्स हैं। बायोलॉजिकल में क्या है, जैसे पहले बताया पैरासाइट्स हैं वो जोनोसिस क्रिएट कर सकते हैं, बैक्टीरिया क्या फूड बॉर्न इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, मोल्ड्स माइकोटॉक्सिन और फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन काज कर सकते हैं, वायरसेस क्या है फूड, मतलब इन तमाम बैक्टीरियल हैजर्ड्स क्या है, तल्लक क्या है फूड बॉर्न इलनेस के साथ है। फिजिकल हैजर्ड्स में ग्लास, बोन फ्रेगमेंट्स, एनिमल टीथ हैं, मेटल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, ब्रोकन नाइफ ब्लेड्स हो सकते हैं, नीडल्स, प्लास्टिक्स, स्टोन्स, या फिजिकल नेचर की कोई और चीज़ें हो सकती हैं। केमिकल हैजर्ड में कंटेमिनेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, केमिकल सॉल्वेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, डिसइंफेक्शन एजेंट्स हैं, रेजिड्यूज हैं, वेटनरी ड्रग्स के, फीड एडिटिव्स के, पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज हैं,
food additives with risk of overdoses like nitrite, nitrate, chemical preservatives. अगर इनकी overdosing हो जाती तब भी issue create हो सकता है, hazard का बायस बन सकता है. अब तरीकाकार वही है जो HACCP के principles like identification of CCPs क्या हैं, unloading bay for raw material, meat and non-meat ingredients हैं, cold storage rooms होने चाहिए, meat cutting and preparation facilities होनी चाहिए, facility for handling non-meat additives, meat grinders, bowl choppers, mincing machines हैं, filling equipment and casings, heat treatment facilities like smoke houses, cooking vats, autoclaves. अब क्या है, सभी स्टेजेस पे CCPs हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पैकेजिंग इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंक्लूडिंग कैनिंग, कोल्ड स्टोर फॉर फाइनल प्रोडक्ट्स. अब क्रिटिकल लिमिट्स CCPs के लिए कैसे लगानी है, विजुअल चेक फॉर डैमेज टू पैकेज इनकमिंग रॉ मटेरियल, विजुअल इंस्पेक्शन भी हो सकती है, फर्दर इसकी लेबोरेटरी एनालिसिस भी हो सकती है, विजुअल चेक ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ रॉ मटीरियल्स, मीट फैट, इस पर भी क्रिटिकल लिमिट लगती है. उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल में जो उसका फ्रीजिंग और सॉरी चिलिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है. पीएच उसकी बीफ की लेस देन 5.7 होनी चाहिए. विजुअल चेक ड्यूरिंग मीट कटिंग एंड ग्रेडिंग, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर एक्टिविटी को चेक करना, उसके एडिटिव्स को चेक करना, कंट्रोल ऑफ पास्चराइजेशन पैरामीटर्स लाइक पास्चराइजेशन 74 डिग्री या 75 पे होनी चाहिए. अगर नहीं हो रही तो उसके लिए फिर पास लाइट टेस्ट है जिससे हम चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं. उसके बाद कंट्रोल ऑफ सर मीट की हम पास्चराइजेशन कैसे करेंगे, सॉरी मीट की पास्चराइजेशन नहीं, यहाँ पे जनरल पास्चराइजेशन की बात हो रही है, मैं डेयरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है यहाँ पे. ओके सर. कंट्रोल ऑफ स्टरलाइजेशन टेम्परेचर्स एंड टाइम, विजुअल अपीयरेंस एंड टेक्सचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच CCPs. ये वही स्टेप्स चल रहे हैं जो ऑलरेडी हम जिनको डिस्क्राइब कर चुके हैं. द मॉनिटरिंग प्रोसीजर मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट लॉस ऑफ कंट्रोल एट द CCP. Establishment of corrective actions. For example, अगर उस product को, उस चीज़ को, commodity को reject करना है, क्या incoming meat with too high internal temperatures. Raw material आ रहा है, internal high temperature है, temperature से बहुत ज़्यादा deviate कर रहा है, critical limit को exceed कर रहा है, तो क्या उसको इस base पे reject किया जा सकता है. Adjustment क्या है, temperature for refrigerated storage and transport of meat. आपने लिखा था visual checking contamination of meat में आ गया ना, आपने bracket में लिखा था fat, meat fat. तो meat fat कैसे hazard हो सकता है? I mean meat और fat, meat fat नहीं है, ये comma है. ये दो प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, मीट और फैट. ठीक है, रॉ मटेरियल्स है, फैट भी रॉ मटेरियल हो सकता है ना. मीट फैट हैजर्ड नहीं है, ये हैजर्ड की बात नहीं है. ओके, एडजस्ट टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट. यहाँ पे टेम्परेचर की एडजस्टमेंट की जा सकती, कम ज्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंगली. रिमूव विद क्लीन नाइव्स, मिनिमल विजुअल कंटेमिनेशन ऑफ मीट सरफेस, reject heavily contaminated meat, adjust cooking and sterilization parameters, temperature or time. अगर हम मीट की कुकिंग की बात करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, visual checking contamination of meat, और अब ब्रैकेट में आपने मेंशन किया था मीट फैट, तो मीट फैट कैसे हैजर्ड हो सकता है? सर मैंने पहले भी बताया है कि ये मीट फैट इकट्ठा लफ्ज नहीं है, मीट उसके बाद कॉमा है, उसके बाद फैट है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की बात हो रही है. मीट फैट एक इकट्ठा लफज नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हैजर्ड के मानों में यहाँ पे नहीं लिया जा रहा. मतलब देखिए ना, हैजर्ड क्या हो सकता है, विजुअल चेक ऑफ कंटेमिनेशन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मीट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, उसके ऊपर विजुअल चेक एंड बैलेंस रखना है देखने के लिए कि कंटेमिनेशन उस पर हैवी है, कम है, है या नहीं है, या क्या है मामला, ये चीज इसमें डिस्कस हो रही है. मीट फैट की बात नहीं हो रही है. मतलब सर मीट और फैट खुद कंटेमिनेटेड नहीं है, अगर कंटेमिनेशन होगी देन हम चेक करेंगे. सर रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं ना बाहर से, किसी इंडस्ट्री से मीट आ रहा है, तो उसको आपने विजुअली चेक करना है कि क्या उस पे कंटेमिनेशन है कि नहीं, ये बात हो रही है सिंपल.
तो सर हम विजुअली कंटामिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विजुअली कंटामिनेशन को ऐसे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई डर्ट तो नहीं लगी, उसके ऊपर कोई डस्ट तो नहीं है, कोई फिल्थ तो नहीं है, ठीक है, एनिमल के कोई फीसेस वगैरह तो नहीं उसके ऊपर लगे हैं, या ब्लड के साथ हैवीली पोल्यूटेड तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स फिजिकल इंस्पेक्शन में आ जाते हैं ना। जाहिरी तौर पर आपने देखना है मीट की हालत क्या है, ठीक है, इसको विजुअल ऑब्जर्वेशन में फिजिकल में। तो आपकी पीआरपी या जीएमपी में नहीं आ जाए? सॉरी नहीं, ये जनरल जनरल एक पैरामीटर की बात हो रही है, नथिंग एल्स। एडजस्ट कुकिंग एंड स्टरलाइजेशन पैरामीटर्स टेम्परेचर और टाइम के हवाले से। रिजेक्ट मीट विद टू हाई पीएच। अब रिजेक्शन इस बेस पे हो रही है कि जिसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मीट की पीएच को हम जैसे एज इट इज पीछे से आई है उसको हम आगे फर्दर मेंटेन खुद से नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उस बेस पे उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हाउएवर एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रही है? टेम्परेचर के हवाले से या टाइम के हवाले से एडजस्टमेंट हो रही है, या पास्चराइजेशन या कुकिंग पैरामीटर्स को एडजस्ट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नीचे एडजस्ट क्वालिटी ऑफ क्योरिंग सब्सटेंसेस लाइक लेवल्स ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट क्योरिंग साल्ट शुड कंटेन 99.5% कॉमन साल्ट एंड 0.5% नाइट्राइट, ओके। आगे हम हैस प्लान इन बीफ बर्गर, इसको हम डिस्कस करते हैं कि बीफ बर्गर प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग में क्या हैस प्लान फॉलो किया जाना चाहिए। ये एक टेबल दिया गया है उसी तरह जैसे पहले हमने डिस्कस किया है। फ्रेश फ्रोजन बर्गर एक्सटेंडेड विद साल्ट एंड स्पाइसेस, और पैकिंग क्या है? वैक्यूम पैकिंग है। प्रोसेस स्टेप है, हैजर्ड है, टारगेट लेवल और क्रिटिकल लिमिट मेंशन है, मॉनिटरिंग प्रोसीजर है, करेक्टिव एक्शन इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट और रिकॉर्ड्स। प्रोसेस स्टेप क्या है? रिसेप्शन ऑफ रॉ मीट मटीरियल्स बीफ बोनलेस, यहाँ पे सीसीपी लग सकती है। अब हैजर्ड क्या हो सकता है? फिजिकल नेचर का भी हो सकता है, केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर का भी हो सकता है। फिजिकल नेचर में क्या हो सकता है? जो पहले अभी बात डिस्कस की है कि विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी है मीट की, इंस्पेक्शन करनी है, उसके ऊपर कोई डर्ट तो नहीं लगी, कोई फिल्थ तो नहीं लगी, कोई एनिमल के फीसेस तो नहीं लगे, या हैवीली पोल्यूटेड विद ब्लड तो नहीं है। ये सारे फिजिकल नेचर के हैजर्ड्स हो सकते हैं रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन के दौरान। टारगेट लेवल क्रिटिकल लिमिट क्या है? इंटरनल मीट टेम्परेचर प्लस 4 डिग्री होना चाहिए, 4 के राउंड अबाउट हो, रेड मीट कलर हो, फ्रेश स्लाइटली एसिडिक ऑर्डर हो, नो विजिबल कंटेमिनेशन हो, नो डिसकोलरेशन हो, नो स्लाइमी, नो अदर डिफेक्ट्स, मतलब क्या है? शाइनी चमकदार अच्छा मीट हो। अब ये चीज़ें इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि 3-4 दिन बाद ईद आ रही है, तो हमें इस चीज़ को उस हवाले से भी फोकस करना है कि हम इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके आए। मॉनिटरिंग प्रोसीजर इस पे क्या लगाया जा सकता है? चेक परचेज स्पेसिफिकेशंस, जो SOPs उस कंपनी की तरफ से दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको चेकअप करें। इंस्पेक्शन ऑफ मीट सर्विसेज बाय रैंडम सैम्पलिंग। चेक इंटरनल मीट टेम्परेचर। हीट गन होती है जो आजकल भी यूटिलाइज हो रही है, लेजर टेम्परेचर गन, उसके थ्रू हम उसको मीट का इंटरनल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोब वाली टेम्परेचर भी हो, टेम्परेचर रीडिंग इक्विपमेंट भी है, उसे भी हम चेक कर सकते हैं प्रोब को उसके अंदर इंसर्ट करके। करेक्टिव एक्शन इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। रिजेक्ट डिलीवरी इफ टारगेट लेवल्स नॉट मेट, सिंपल इज दैट। रिकॉर्ड्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीट रिसीव्ड, सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी स्टेटस एंड ओरिजिन ऑफ मीट, कहाँ से आया है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, जो फिजिकल नेचर के हमने देखे हैं। मीट कहाँ से आ रहा है, किन कंडीशंस में उसकी प्रोसेसिंग हुई है, और मीट की टेम्परेचर की क्या रिकॉर्डिंग है, उसको भी नोट डाउन करना। फिर प्रोसेस स्टेप है स्टोरेज इन रिसेप्शन चिलर। बायोलॉजिकल हैजर्ड वहाँ पे हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर की डेविएशन वहाँ पे हो सकती है। मीट इंटरनल टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ चिलिंग रूम एंड मीट इंटरनल, इस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। मॉनिटर टेम्परेचर डेविएशन, एडजस्ट चिलर टेम्परेचर, मेजर टेम्परेचर डेविएशन, रिजेक्ट मीट। टेम्परेचर टाइम रिकॉर्डिंग्स ऑफ चिलर, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स ऑफ मीट। देन वेइंग एंड कंपोजिशन ऑफ नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स।
नॉन मीट में फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है जो हैजर्ड है. विजिबली क्लीन नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स कॉमन साल्ट, नो क्यूरिंग साल्ट टू बी यूज्ड, चेक साल्ट, स्पाइसेस एंड एक्सटेंडर्स फॉर इम्प्योरिटीज, रिजेक्ट सस्पेक्टेड बैचेस ऑफ नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेटस एंड एक्सपायरेशन डेट्स ऑफ नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स. अब जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं उनकी एक्सपायरी वगैरह चेक करनी है. इसी तरह प्रोसेस स्टेप क्या है, प्रिपेयर मीट फॉर ग्राइंडिंग, इफेक्ट ग्राइंडिंग, बायोलॉजिकल हैजर्ड यहाँ पे हो सकता है, रूम टेम्परेचर डेविएट हो सकता है, यहाँ पे पीरियड फ्रॉम डिलीवरी ऑफ मीट फ्रॉम चिलर टू पास थ्रू ग्राइंडर मैक्सिमम 20 मिनट्स होना चाहिए. नॉर्मल जो रूल है वो यही 20 मिनट के अंदर उसकी प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए. हर 20 मिनट गुजरने के बाद माइक्रोबियल लोड 10 रेज टू पावर n से बढ़ता है, डबल हो जाता है. मीट फ्री ऑफ ग्लॉसी अबनॉर्मल टिश्यूज एंड पोस्ट ड्रेसिंग कंटेमिनेशन, चेक पीरियड ऑफ प्रोडक्ट फ्लो, चेक फॉर अबनॉर्मल टिश्यूज एंड पोस्ट ड्रेसिंग कंटेमिनेशन, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट फ्लो, डिस्कार्ड मीट पार्ट्स विद अबनॉर्मल टिश्यूज पोस्ट ड्रेसिंग कंटेमिनेशन. फिर रिकॉर्ड्स में आ जाता है प्रोडक्ट फ्लो इन टेम्परेचर रिकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेप क्या है, मिक्सिंग ऑफ मीट विद इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे सीसीपी लगाया जा सकता है. बायोलॉजिकल हैजर्ड यहाँ पे हो सकता है, नो फर्दर इंक्रीज ऑफ कंटेमिनेशन ये क्रिटिकल लिमिट है, रूम टेम्परेचर 10 प्लस इस रेंज में होना चाहिए, पीरियड फ्रॉम ग्राइंडिंग टू कम्प्लीशन ऑफ मिक्सिंग ब्लेंडिंग मैक्सिमम 30 मिनट्स, टेम्परेचर ऑफ मीट या मीट इंग्रेडिएंट्स मिक्स 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. मॉनिटरिंग प्रोसीजर क्या, चेक पीरियड ऑफ प्रोडक्ट फ्लो, चेक मिक्स टेम्परेचर, फिर माइनर डेविएशंस एडजस्ट टाइम टेम्परेचर रिजीम, मेजर डेविएशंस रिजेक्ट बैच. माइनर में तो हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मेजर में इसको फिर रिजेक्शन में जाना पड़ेगा. प्रोडक्ट फ्लो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स, पैटी मोल्डिंग बायोलॉजिकल हैजर्ड हो सकता है, कैरी आउट इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, नो सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर टाइम कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, इंक्रीज प्रोसेस स्पीड, रिटर्न मिक्स टू चिलर इफ नो इमीडिएट मोल्डिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट फ्लो टाइम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग. फ्रीजिंग में सीसीपी हो सकता है, फ्रीजिंग में बायोलॉजिकल हैजर्ड है, ब्लास्ट फ्रीजिंग एट -35, यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, फ्रीजर का टेम्परेचर एडजस्ट करना है और उसको रिकॉर्ड करना है. पैकेजिंग और इस तरह फ्रीजिंग स्टोरेज में बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, उसमें पैकेजिंग में क्लीन पैकेजिंग मटेरियल्स होने चाहिए, फूड ग्रेड होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए. पैकेजिंग फ्लोर्स कोई सील वगैरह तो नहीं इसकी फटी, इस चीज़ को देखना है. एडजस्ट पैकेजिंग मशीन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट वैक्यूम पैकेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पैकेजिंग को रिकॉर्ड करना है. फ्रीजर स्टोरेज में बायोलॉजिकल हैजर्ड हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज वेरिएट कर सकता है, -18 तो -30 होना चाहिए इस रेंज में. कंडीशन कंटिन्यूस टेम्परेचर चेक होना चाहिए, राइज ऑफ टेम्परेचर इमीडिएट identification and correction of temperature problems, transfer to alternative storage freezer if long term problem, continuous freezer temperature records maintain karna hai. ab hum internal audit ki baat karenge ki internal audit kya hota hai. abhi tak humne hazard ki tamam details pad li, management level pe kya commitment hai unki, kya kis tarike se usko sari management karni maintain karna hai, cheezon ko resources kaise provide karne hain. उसके बाद हम हैसप की चेकलिस्ट की हमने बात की कि किस तरीके से हैसप को इम्प्लीमेंट करना है. अब इन सारे प्रोसीजर को प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनल ऑडिट की बात आती है. इंटरनल ऑडिट कौन करता है, इंटरनल जो ऑडिटर है कंपनी के बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा चुना गया है, सो उसकी कुछ रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. उसी तरह इंटरनल ऑडिट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिट क्या है. ऑडिट्स आर अ वे फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस टू अ फंक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन स्टेप. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस प्रोसीजर स्टेप प्रोसेसिंग चल रही है, उस सारी चीज़ों को अपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कुछ ऑडिट्स परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जिनको हम ऑडिट्स कहते हैं. उसमें ये होता है कि ऑडिट में चेक किया जाता है कि जो हमारा प्रोसीजर एक्चुअल चल रहा है वो हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी या SOPs के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है, और इस सारे प्रोसेस को हम ऑडिटिंग बोलते हैं. ऑडिटिंग इज द ऑन साइट वेरिफिकेशन एक्टिविटी सच एज इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसेस और क्वालिटी सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस टू रिक्वायरमेंट्स. टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में क्या आता है, इन एडिशन टू द इंटरनल ऑडिट्स देयर आर सेकंड एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स. सेकेंड और थर्ड पार्टी ऑडिट्स हैं, उनको हम देखते हैं क्या होते हैं.
थर्ड पार्टी ऑडिट्स क्या हैं एंड ऑडिट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद नो स्टेक इन द मैनेजमेंट सिस्टम. फॉर एग्जांपल यूएस सर्टिफिकेशन ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट में कोई भी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग बॉडी या सर्टिफिकेशन बॉडी या एक्सटर्नल ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है, उसमें ये होता है कि उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टेक नहीं. फॉर एग्जांपल वो उसका एम्प्लॉय नहीं, उसमें उसके कोई राइट्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली एज एन एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं फॉर द सेक ऑफ चेकिंग आया कि सिस्टम उसकी फूड सेफ्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंग या एसओपीज के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं. Second party audits can outside company that conducts an audit but has a relationship with the organization. For example, a supplier audit. अब second party audit में होता है कि एक company A है और एक company B है. A company juice process करती है. Juice processing के लिए वो for example pulp किसी दूसरी company से लेती है. अब जो company pulp किसी दूसरी company से लेती है वो company pulp producing company का audit supplier audit कर सकती है, क्योंकि pulp प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी को पल्प सप्लाई कर रहे हैं, वो उनका सप्लायर है. तो वो सप्लायर का चेक एंड बैलेंस हर चीज़ को चेक करने के लिए कि आया वो क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो अकॉर्डिंगली प्रोसीजर हैं प्रोसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए खुद से अपना इंडिपेंडेंट नुमाइंदा या अपनी कंपनी पे बिहाफ पे कुछ ऑडिटर्स भेज के वहाँ पे ऑडिट्स करवा सकते हैं. इसको हम सेकेंड पार्टी या सप्लायर ऑडिट बोलते हैं. इंटरनल ऑडिट्स क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एम्प्लॉई जिसका उधर स्टेक है, फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉई है या कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहाँ पे खुद से ऑडिट करता है, उसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं. ऑडिटर, एन ऑडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म अपॉइंटेड बाय एन कंपनी टू एग्जीक्यूट एन ऑडिट. कोई भी कंपनी या पर्सन उस स्पेसिफिक काम के लिए ऑडिट करने के लिए जो डिजाइन जो डिप्लॉय किया जाता है उसको हम ऑडिटर बोलते हैं. ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता ही है, लेकिन जैसे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी और इंटरनल ऑडिटर तीन टाइप्स हैं. तो तीनों की मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं. टू एक्ट एज एन ऑडिटर अ पर्सन शुड बी सर्टिफाइड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑडिटिंग और प्रोसेस सर्टन स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस. अब तीनों किस्म के ऑडिट्स के लिए ऑडिटर की प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल आज का ट्रेनिंग जो कोर्स है उसको हम इंटरनल ऑडिटर कोर्स कह रहे हैं. तो इसमें ये है कि आप लोग जो जब ये कोर्स करेंगे उसके बाद आप कंपनी के बिहाफ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकते हैं. इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इससे भी फिर अगले लेवल के कोर्सेज द्वारा कम करने पड़ते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करने के लिए. Internal auditor and internal auditor is an employee of a company charged with providing independent and objective evaluation of the company's operational activities. For example, food analyst हो सकता है, chemist हो सकता है, microbiologist हो सकता है, जो accordingly इस company के behalf पे audit करेगा. अब internal auditor के क्योंकि जो stake हैं वो उनका employee है, वो independent नहीं है, मतलब ये कि वो डिपेंड कर रहा है जो भी मैनेजर ने या सुपरवाइजर ने इंस्ट्रक्शन देनी है उसके अकॉर्डिंगली ही वो इंटरनल ऑडिट करेगा. हाउएवर जो जहाँ तक वो मैनेजमेंट कमिटमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि इंटरनल ऑडिट को ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रखें और उसको इतनी रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने ऑडिट के रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर सके. ना कि ये ना हो कि इंटरनल ऑडिटर कहे कि यार यहाँ पे ये मतलब नॉन कन्फॉर्मेंस चल रही है, अगर मैं बॉस को बताऊँगा तो बॉस मुझसे नाराज़ हो गए, मुझे जॉब से फारिग कर देगा, दैट सो ऑन. तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. हाउएवर इंटरनल ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. अब अपने ही सिस्टम को जज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर अपनी राय देता है. राय आई मीन टू से कि वो सिस्टम को जज करके बताता है कि सिस्टम इस पैरा में चल रहा है और एसओपीज ये कह रही हैं, उसमें जो भी डिफरेंसेज आ रहा होते हैं उनको फिर फर्दर रूल आउट किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है. इंटरनल ऑडिटर्स मस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स एंड सर्टेन क्वालिफिकेशन. फॉर एग्जांपल फाइंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड एंड इफेक्टिव, आइडेंटिफाई नॉन कन्फॉर्मेंस वेयर द सिस्टम इज नॉट इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटिंग एज प्लान्ड, where the system does not meet requirements of the standard. अब internal auditor एक तो उसकी proper qualification होनी चाहिए, जैसे कि आज का internal auditor का course है, इसके बाद आप लोग as an internal auditor work करने के अहल हैं. इसके अलावा और internal auditors क्या independent राय देने के अहल हों, मतलब उनमें इतनी
मतलब वो एक मॉरल वैल्यूज वर्क हों कि वो अपनी इंडिपेंडेंट राय दे सकें, और बॉस के बिहाफ पे भी ये कि वो इंटरनल ऑडिट की ऑडिटर की जो भी सजेशन आ रहे हैं उनको सुनने का मतलब हौसला रखते हों अपने अंदर, ताकि सिस्टम में मकसद क्या है, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाई जाए, ना कि ये कि उस मतलब फर्दर चीज़ों को मिसमैनेज किया जाए। ऑडिटी क्या है? ऑडिटी इज एन एंटिटी दैट इज ऑडिटेड, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कोई फैक्ट्री हो सकती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट किया जा रहा है उसको हम ऑडिटी बोल रहे हैं बोलेंगे। अब इसमें एक मैकेनिज्म हम इसके तहत चलते हैं जिसमें PDCA इसको बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। इसमें ये क्या है, एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव और डिफाइन द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड क्रिएट एन एनुअल शेड्यूल, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स आर आल्सो की कंपोनेंट्स ऑफ द प्लानिंग स्टेप। प्लानिंग में क्या है, एक तो टाइम स्पैन डिफाइन कर लें कि साल बाद हमने ऑडिट करना है, 6 माह बाद या 2 माह बाद। उसके बाद क्या है, जो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। डू इम्प्लीमेंट द प्लान और एग्जीक्यूट द प्रोसेस, जो भी प्लान डिफाइन किया उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। विच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इवेल्युएशन, लुक फॉर डेविएशन इन द इम्प्लीमेंटेशन अगेंस्ट द प्लान एंड चेक फॉर अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस। मतलब जो वहाँ सिस्टम में प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं उनको SOPs के अकॉर्डिंगली एवेल्युएट करे, उनको फर्दर जो भी डेविएशन है उनको वो डिस्क्राइब कर सके। दिस स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजिंग द इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट टूल। अब जो पहले हम चेकलिस्ट की बात की, वो सारी चेकलिस्ट एक पेपर पे लिखे, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम को असेस करें। फॉर असेसमेंट इंक्लूड्स कंडक्टिंग दिस असेसमेंट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मेजर एंड नॉन कन्फॉर्मिटीज। ये तीन जो पोर्शन हैं इनमें वो कुछ फर्दर जो भी अपनी है सजेशन को डिवाइड करके बॉस को फर्दर बताए। चेक दिस स्टेप इंक्लूड्स राइटिंग एंड द नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडलाइन फॉर कंडक्टिंग रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन। चेक में क्या है, वो चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सके उस चीज का सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन कन्फॉर्मिटी आ रही है किसी भी कैटेगरी में, लाइक क्रिटिकल है, मेजर है, नॉन माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी है, किसी भी मतलब वो एरिया में वो फॉल कर रहा है, तो क्या है उस पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सके, जिसमें हम मतलब मॉनिटरिंग, जिसको हम मॉनिटरिंग के सेंस में हम लेके चलते हैं। एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन। फर्दर फिर वो रूट कॉज एनालिसिस की तरफ जाए, उसको करेक्टिव एक्शन उसका तलाश करे कि ये मसला हुआ कैसे और उसको फिर करेक्ट कैसे करना है। एक्शन में क्या है, फॉलो अप विद द करेक्टिव एक्शन इन द चेक स्टेप एंड वेरीफाई दैट द करेक्टिव एक्शन आर इफेक्टिव एंड विल प्रिवेंट फ्यूचर रीअकरेंस। एक्शन में क्या है, उसको कैसे करेक्ट करना है और फिर फर्दर उसकी रीअकरेंस से कैसे उसको अवॉइड करना है। ऑडिटिंग स्टेप्स में क्या है, एनालाइजिंग की प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस ए टू जेड चल रहे हैं उनको वो अच्छे तरीके से उनको एनालाइज करें, उनका तजिया करें। आइडेंटिफाई की कंट्रोल्स, कहाँ कहाँ से वो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैस्चराइजेशन कहाँ से कंट्रोल हो सकती है, पैस्चराइजेशन टेम्परेचर से, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिफाइंग की कंट्रोल्स, एवेलुएटिंग द एडिक्वेसी, टेस्टिंग कंप्लायंस, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, रिकमेंडिंग स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स, सजेस्टिंग मेथड्स टू इम्प्रूव कंप्लायंस विद की कंट्रोल्स, फॉलो अप ऑफ एक्शंस। ये सारे स्टेप्स ऑडिटिंग स्टेप्स में आते हैं कि इन चीज़ों को वो इस तरीके से डिस्क्राइब कर सके। इम्प्रूवमेंट्स इन FNMS एंड HACCP, मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट्स, करेक्टिव एक्शन, वेरिफिकेशन रिजल्ट्स, वैलिडेशन, अपडेट दी FSMS। इस सारी हायरार्की को फॉलो करते हुए हम FSMS या अपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करके इसमें अपडेशन लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने बात की है जिसमें कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, जिसमें फर्दर जो भी साइंटिफिक अपडेट आती है उसको कैसे सिस्टम में लेके आना है, सिस्टम में मर्ज करना है, या इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको कैसे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है, उन सारी चीज़ों के बेस पे FSMS या फूड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करके फर्दर उसको अपडेट किया जाता है। ऑडिट स्टेप्स में, इंटरनल ऑडिट स्टेप्स में आता है क्रिएट ऑडिट शेड्यूल, ऑडिट प्लान बनाए, होल्ड ओपनिंग मीटिंग्स, कंडक्ट ऑडिट डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, होल्ड क्लोजिंग मीटिंग, प्रिपेयर ऑडिट फाइल, फॉलो अप। अब ये सारी हायरार्की को फॉलो करते हुए ऑडिट को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल ऑडिट का प्लान मुरतब करें, उसके बाद उसको
शेड्यूल करें, उसके बाद ओपनिंग मीटिंग होल्ड करें, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर के साथ मीटिंग करनी है, मैनेजर के साथ, बॉस के साथ मीटिंग करनी है, या मुतलका फील्ड स्टाफ या जो भी जिस प्रोसेस पे भी कोई वर्कर काम कर रहा है उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मीटिंग करनी है, सब कुछ करके उसके बाद ऑडिट कंडक्ट करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करें कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसको वेरीफाई करें, फिर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें अपनी जिसमें इंडिपेंडेंट फाइंडिंग मौजूद हों, फिर क्लोजिंग मीटिंग सबके साथ मीटिंग करें, अपने सुपरवाइजर को आगाह करें कि जी सिस्टम ये ऐसे चल रहा है और एक्चुअल में हमारा प्रोसीजर जो फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ऐसा होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें इस तरीके से वो डिस्कस करें क्लोजिंग मीटिंग में, फिर प्रिपेयर ऑडिट फाइल और उसका फॉलो अप भी ले कि क्या ये सिस्टम जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है क्या इनको सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है, किस तरीके से अडॉप्ट किया गया, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके गैप एनालिसिस स्टडी करें, सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करें. Performing the audit. As an auditor, you will check documents and records, ask questions, observe processes and compare them with documented procedures and work instructions, investigate any differences, follow audit trails, be curious, take good notes. अब ये है सारी चीज़ों में, इन तमाम चीज़ों में जो पहले जैसे डिस्क्राइब की गई हैं इसी तरीके से वो फ्लो में लेके आए, ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग्स कंडक्ट कर, इसी तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है हर स्टेप पे हर प्रोसेस से, ताकि उसको एक्चुअल में जो रेसिपी है उसकी समझ आ सके, रेसिपी का पता चल सके कि वो रेसिपी किस तरीके से प्रोसेसिंग में चल रही है, क्या फॉर्मुलेशन है, और सिस्टम में जो डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली ही वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस तरीके से वो सारा इन चीज़ों को रिव्यू में लेके आए. आगे फर्दर इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करें जो डिफरेंसेस ज़्यादा चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में कुछ और चीज़ है, प्रोसेसिंग में कुछ और चीज़ चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके फिर फर्दर अपनी रिव्यू और सजेशंस में चीज़ों को लेके आए. डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट. वंस यू कंप्लीट योर ऑडिट यू विल प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट एनी नॉन कन्फॉर्मेंस. जब आप ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या है, आपने ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है और उसको डॉक्यूमेंट में नॉन कन्फॉर्मेंसेज को मेंशन करना है. रिपोर्ट विल आल्सो इंक्लूड जनरल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड, पर्संस इंटरव्यूड, जनरल समरी एंड असेसमेंट ऑफ हाउ द सिस्टम इज परफॉर्मिंग. मतलब ये है तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करना है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन ये इस चीज़ के बारे में, इस इशू के बारे में, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिव्यू किए गए हैं, फूड सेफ्टी पॉलिसी के हैं, जो भी कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनको रिव्यू किया गया है, पर्संस इन लोगों को इंटरव्यू किया गया है, किस प्रोसेस पे, किस स्टेज पे, किस पर्सन को इंटरव्यू किया, उससे क्या इन्फॉर्मेशन ली है, ऑल ओवरऑल उसको कंपाइल करके एक समरी की सूरत में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग. होप सो ऑल पार्टिसिपेंट्स गॉट द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन. फर्दर जिसको आप लोग जाके इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट्स परफॉर्म करना है, ख़ासतौर पर हासिप के अकॉर्डिंगली हमने तमाम चेकलिस्ट की बात की है, इन सभी चीज़ों को आप इसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं. जब इंडस्ट्री में आप जाएंगे एज एम्प्लॉई एंड इंटरनल ऑडिटर काम करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को गो थ्रू हो सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को ट्रू सेंस आप इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएँ. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे ट्रेनिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.